Swayam Prabha, Digital India, Educated India. माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असटेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकेंड चैप्टर ऑफ माई न्यू प्रपोजल दैट इज लॉफ क्राइम टू सो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट आई वुड लाइक टू हाईलाइट फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैंने चूंकि प्रस्तुतिकरण का विषय हिंदी रखा है और यह सोच के रखा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए जो प्रतियोगी छात्र के जो प्रतियोगिता या सिविल सर्विसेज़ के लिए जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस स्लाइड को मैंने हिंदी भाषा में बनाने का प्रयास किया है और इस सी आर पी सी दंड प्रक्रिया संहिता नाइनटीन सेवेंटी थ्री के अंतर्गत एफ आई आर और रिमांड के विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन को देने का प्रयास इस स्लाइड के माध्यम से इस लेक्चर के माध्यम से आ, किया जाएगा तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने लिखा मेरा टॉपिक है चैप्टर टू प्रथम सूचना रिपोर्ट और रिमांड एफ आई आर एंड रिमांड यफ आई आर क्या है सेक्शन 154 में इसके कंटेंट को बताया गया है यफ आई आर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और डिस्क्रिशन है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार हैं और संविधि के अंतर्गत कानून के अंतर्गत धारा 154 जो एक जो एफ के विषय में बात करती है यद्यप कि उसमें सेल शब्दावली का प्रयोग किया गया है बावजूद जुडिशियल हस्तक्षेप की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रही है तो सबसे पहले लेते हैं कि एफ क्या है सी आर की धारा 154 यह प्रावधानित करती है कि जब संगे अपराध के विषय में सूचना किसी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है तो थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे संगे अपराध के विषय में सूचना यदि वह मौखिक है तो उसे लेखबद्ध करेगा और यदि वह लिखित में है तो हस्ताक्षरित प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में उसे दर्ज करेगा यह संज्ञेय अपराध की सूचना सूचनाकर्ता के द्वारा थाने के भारसाधक अधिकारी को दिए जाना धारा एक के अंतर्गत प्रथम की यह उस संज्ञेय अपराध के विषय में सूचनाकर्ता के द्वारा पुलिस को दी गई प्रथम इतला होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है इसलिए इसे हम संक्षेप में एफ या फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट की संज्ञा देते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का उद्देश्य संघेय अपराध के घटित होने के पश्चात पुलिस को सक्रिय करना या कहें तो आपराधिक विधि को सक्रिय करना जो प्रोसीडर है उसको मोशन में लाना चूंकि धारा एक सौ सीआरपीसी के अंतर्गत यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब संघीय अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी तो थाने का भारसाधक साधक अधिकारी ऐसी सूचना को लेखबद्ध करेगा तो द वर्ड द वर्ड विच हैज़ बिन यूज इन दैट सेक्शन दैट इज शैल वर्ड यूज किया गया है तो इंग्लिश में जो शैल शब्दावली है या मे शब्दावली है उसका अपना विशेष अर्थ होता है मे शब्दावली का मतलब है कि वह अथॉरिटी को डिस्क्रिप्शन देता, देता है विवेक देता है आइदर अथॉरिटी मे डू इट और मे नॉट डू इट या तो अथॉरिटी उसको कर सकती है या नहीं कर सकती है यदि किसी भी धारा में किसी भी स्टैचूट में शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो विधायिका के द्वारा डिलीबरेटली इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है परंतु इस धारा के अंतर्गत शैल शब्दावली का प्रयोग किया गया है यह दर्शित करता है कि विधायिका की भी मनसा यही रही होगी कि यदि संघेय अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो थाने का भारसाधक अधिकारी अविलंब बिना किसी विलंब किए हुए ऐसी सूचना को लेखबद्ध करेगा ही उस पर बाध्यता है उस सूचना को और वह सूचना वह सूचना लेने से इनकार नहीं कर सकता कि यह सूचना तथ्यहीन है या आधार पहले सूचना को लेखबद्ध करेगा रिकॉर्ड करेगा अपने रजिस्टर में उसके पश्चात वह सूचना गलत है या सही है इसका पता लगाना स्वयं पुलिस का ही कार्य है परंतु इसको लेकर के सदैव न्यायिक हस्तक्षेप यद्यप की विधायिका के द्वारा इसमें शहर शब्दावली जोड़ करके धारा एक की मंशा को स्पष्ट कर दिया गया है परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य स्लाइड के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें सबसे महत्वपूर्ण केस इस पर है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दि निर्णय दिया गया एफ रजिस्ट्रेशन के विषय में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 के पहले अभी वर्ष 2010 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि संगे अपराध की सूचना दिए जाने के पश्चात पुलिस को एफ के रूप में पंजीकृत करने के पूर्व विवेचनाधिकारी या थाने का भारसाधक अधिकारी एक संक्षिप्त इंक्वायरी करेगा जिसको हम इंग्लिश में प्रिमिनरी इंक्वायरी बोलते हैं एक संक्षिप्त जांच करेगा उसके पश्चात यदि पुलिस को लगता है कि वास्तव में संघेय अपराध घटित हुआ है तो उसे उस सूचना को संघेय अपराध प्रथम इतला रिपोर्ट एफ के रूप में दर्ज करेगा कारण उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह दिया गया कि चूंकि एफ दर्ज करने के पश्चात संघेय मामलों में पुलिस को अभियुक्त को जिस भी व्यक्ति का नाम उस एफ में आया है उसे गिरफ्तार करने की पावर पुलिस को मिल जाती है और व्यक्ति की गिरफ्तारी से उसे संविधान के आर्टिकल इक्कीस में प्रदत्त उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और संविधान के आर्टिकल इक्कीस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि, कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से बिल द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता अन्यथा नहीं तो व्यक्ति का गिरफ्तारी होना न उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन आर्टिकल ट्वेंटी का वो उल्लंघन है यदि वह निर्दोष है अपितु दूसरी तरफ उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान होना उसे सामाजिक उसे अगर यदि गलत निराधार आधारों पर उसे गिरफ्तार किया गया है किसी ने एफ किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है बाद में पता चलता है कि वह जो सूचना दी गई थी वह सूचना भ्रामक थी आधारहीन थी तो निश्चित रूप से अवैध गिरफ्तारी के लिए उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँचती है और साथ ही साथ मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में संतुलन स्थापित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में यह निर्णित किया गया कि संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने का भारसाधक अधिकारी एक संक्षिप्त इंक्वायरी करेगा उसके पश्चात ही उसे एफ के रूप में दर्ज करेगा तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय भारत में सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकर है उसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के गाइडलाइंस में सभी थाने के भारसाधक अधिकारी एफ को रजिस्ट्रेशन करना या न करने के विषय में परंतु 2014 में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य के केस में संवैधानिक पीठ उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णित किया कि क्योंकि इस मामले में तथ्य मैं यहाँ बताना थोड़ा सा चाहूंगा कि इस ललिता कुमारी केस में क्या हुआ कि ललिता कुमारी जो है वह सी वॉज माइनर वह अवयस्क थी और उसे कुछ लोगों के द्वारा उसके माता पिता की संरक्षकता से गार्जियनशिप से बाहर उठा ले गया था उठा ले जाया गया था अभियुक्त के द्वारा ललिता कुमारी चूंकि अवयस्क थी उसके पिता के द्वारा इस मामले में माइनर अवयस्क चूंकि वाद ला नहीं सकता है तो अवयस्क की तरफ ललिता कुमारी की तरफ से उसके पिता के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल बत्तीस ट्वेंटी थर्टी टू के अंतर्गत हैबीएस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका प्रस्तुत की गई कि जिसमें उसने इस इस पूरे साक्ष्य को लिखित किया कि संबंधित थाने में उसने एफ दर्ज कराई एफ दर्ज होने के पश्चात भी अभी तक उस पर थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई लिहा इससे असंतुष्ट होकर के ललिता कुमारी अवयस्क बालिका का पिता न्यायालय के समक्ष बंदी कार्पस रिट के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत आया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 टू कार्पस रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय किया गया कि जहां पर संघेय अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई है वहां पर थाने का भार साधक अधिकारी ऐसी संघे अपराध की सूचना को आवश्यक रूप से लेखबद्ध करेगा पंजीकृत करेगा अर्थात मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ इस केस में एक निर्देश दिया गया कि संघे अपराध की यदि सूचना इतला पुलिस को मिलती है तो वह मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करना एफ आई दर्ज करना उसके लिए आवश्यक है उसके पा उसके पश्चात ही वह सूचना रिजनेबल है या अनरिजनेबल है युक्तियुक्त है या अयुक्तियुक्त है दर्ज करने के पश्चात पुलिस का यह कार्य है दूसरा कि पुलिस को पावर दिया गया है पावर टू अरेस्ट द ऑफेंडर अभियुक्त को अरेस्ट करने की पावर का होना यह है पुलिस को जो शक्ति प्राप्त है और जस्टिफिकेशन फॉर अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं पावर टू अरेस्ट एंड रीजन फॉर अरेस्ट गिरफ्तारी कारण क्यों क्यों गिरफ्तार किया गया ये दोनों अलग अलग बातें हैं पुलिस को गिरफ्तार करने की पावर स्टेच्यूट ने दिया हुआ है लेकिन गिरफ्तारी को जस्टिफाइड करना न्याय संगत ठहराना भी पुलिस को आवश्यक होगा पुलिस को यह कारण बताना होगा कि अनहॉट ग्राउंड पुलिस ऑफिसर हैज अरेस्टेड द दूस्ट अदरवाइज वह गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी तो फर्स्ट टाइम इस केस में कहा गया कि एफ का रजिस्ट्रेशन मस्ट, मस्ट है सेक्शन 54 में सेल शब्दावली चुकी है विधायिका मनसा है कि यदि संघेय अपराध की सूचना दी जाती है तो पुलिस उसको रजिस्टर करेगा लेखबद्ध करेगा चाहे उसे उस मामले में अन्वेषण करने की अधिकारिता हो या उसके अपराध उसके क्षेत्राधिकार के भीतर वो अपराध घटित हुआ हो या न घटित हुआ हो संघे अपराध यदि सूचना देने से पुलिस को लगता है कि यह संघेय अपराध घटित हुआ है तो उस स्थिति में एफ आई का दर्ज किया जाना आवश्यक है आज्ञापक है तो एक बात ही क्लियर हो गई उच्चतम न्यायालय ने कासन के तौर पर सावधानी के रूप में तीन बातें इसमें और कही जो इंपॉर्टेंट है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है छात्रों के लिए भी हितकर है वह यह है कि जब किसी संघेय अपराध की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में दी जाए जहाँ चिकित्सी उपेक्षा का मामला प्रतीत होता है या भ्रष्टाचार के मामले प्रतीत होते हैं या मैट्रिमोनियल अपराध है बाईगेमी किया हुआ है एडल्ट्री किया हुआ है उस केस में अगर करीब परिवाद होता है कंप्लेंट फाइल होती है तो क्रुएल्टी का मामला है क्रूरता हुआ है बाइगेमी असंज्ञ अपराध है लेकिन क्रूरता अगर उसमें धारा लग जाती है तो क्रूरता क्रुएल्टी जो है धारा चार सौ अट्ठानबे का आईपीसी के अंतर्गत संज्ञे और अजमानती बनाया गया है तो क्रूरता के अपराध में ऐसे जो वैवाहिक अपराध हैं भ्रष्टाचार के मामले हैं दो हो गए मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले हैं यदि इससे संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पूर्व थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा प्रारंभिक जांच आवश्यक है प्रारंभिक जांच करने के पश्चात ही उस सूचना को प्राथमिकी के रूप में एफ के रूप में दर्ज किया जाए यदि पुलिस को लगता है कि संज्ञय अपराध किया गया है इससे इन परिस्थितियों में क्योंकि एक डॉक्टर है चिकित्सक है उसको अगर अरेस्ट कर लिया गया एफ आई दर्ज करने के तुरंत पश्चात उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा वैवाहिक मामलों में मैट्रीमोनियल मामलों में भ्रष्टाचार के मामलों में जहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदता है एक प्रतिद्वंदता की वजह से एक राजनीतिक दूसरे राजनीतिक के पोलिटिशियन के अगेंस्ट यदि भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करता है तो वहाँ पे उस एफआईआर को दर्ज करने के पहले एक प्रारंभिक इंक्वायरी हो जाए कि यह स्टेटमेंट सत्य है या नहीं तो दूसरा इस स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूं कि अपराध की सूचना यदि इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी भी अपराध की सूचना पुलिस को देने के दो माध्यम हैं यदि असंगेय मामला है तो धारा एक के अंतर्गत यदि मामला संघेय है जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक इसके ठीक पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि संघेय मामलों से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसे संहिता की प्रथम अनुसूची में संघेय अपराध के रूप में दर्शित किया गया है और जिसमें पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है यदि संघेय अपराध की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी गई है तो थाने का भारसाधक अधिकारी उसे पंजीकृत करेगा ये ललिता कुमारी केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा 2014 में ही स्थापित कर दिया गया है अब चूंकि संघेय अपराध की सूचना यदि थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाए और थाने का भारसदक अधिकारी ऐसी सूचना को दर्ज करने से मना कर देता है जैसा कि हम अखबार के माध्यम से मीडिया के माध्यम से प्रायः सुनने में आता है कि एफ दर्ज नहीं की गई तो उपचार क्या है पीड़ित को क्या उपचार है यह स्वयं धारा एक उपधारा तीन में ही दिया गया है जो स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं वह क्या है वह धारा एक उपधारा तीन में ही लिखा हुआ उसी धारा में यह रेमडी उपचार भी दिया हुआ है कि जो व्यक्ति संघेय अपराध की सूचना थाने के भाषसाधक अधिकारी को देता है उस सूचना को यदि थाने का भाषाधक अधिकारी रजिस्टर्ड नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में व्यथित पक्षकार एग्रीड पार्टी उसी जिले के एसपी को पुलिस अधीक्षक को या एसएसपी को बाई पोस्ट सेम कंटेंट इन्फॉर्मेशन को भेज सकता है एस या एस, एस जैसी भी स्थिति हो उस जिले का संबंधित थाने के भाष अधिकारी को संघेय अपराध की सूचना को दर्ज करने के लिए निर्देशित कर सकता है यह रेमेडी उपचार एग्रीव को धारा वन फिफ्टी फोर उप तीन में दिया हुआ है माना कि एस पी एस एस पी के द्वारा भी ऐसा होता नहीं है समानता लेकिन यदि मान लिया जाए कि एस पी एस एस पी के द्वारा दिए गए निर्देश पर भी एफ आई आर दर्ज नहीं होती या एस पी एस एस पी उस मामले को संबंधित थाने को नहीं ट्रांसफ़र करता है एफ आई आर दर्ज करने के लिए तो इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि एग्रीव्ड जो पीड़ित है उसके लिए न्याय के समस्त दरवाजे बंद हो चुके हैं उसके पश्चात भी अपराध पीड़ित को एक अधिकार दिया गया है कि वह सीधे संबंधित न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसी कंटेंट समस्त अपनी व्यथा को समस्त उस अपनी व्यथा को सूचना को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में उसका मामला आता है उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उस सूचना एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दे सकता है इसे धारा एक उपधारा तीन के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को शक्ति प्रदान की गई है सीआरपीसी के द्वारा ये पावर किया दिया गया है एम्पावर्ड किया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को कि जहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग किसी संघीय मामले में संज्ञान लेने की अधिकारिता रखता है उसे यदि कोई आवेदन किया जाता है तो ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित थाने को अन्वेषण करने के लिए उसमें आदेशित कर सकता है ये तीसरी जो स्थिति है कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर एफ आई आर दर्ज न करने पर क्या उपचार है धारा एक सौ छप्पन तीन में दिया गया है हम इसको बहुत लोकप्रिय भाषा में बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर बाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा एफ आई आर का दर्ज कराया जाना जब एक सौ छप्पन तीन के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया जाता है संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को एफ आई दर्ज करने के लिए तो अब जो ऐसी स्थिति है इसमें कोई भी थाने का भारसाधक अधिकारी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता है वरना उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके भी विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है अब यदि ऐसी स्थिति में भी न हो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्देशित किए जाने के बावजूद भी यदि थाने का भारसाधक अधिकारी दर्ज नहीं करता है माना कि एक चांस ऐसा भी है कि जहाँ पे एक सौ तीन की कार्रवाई के पश्चात थाने का भारसाधक अधिकारी सूचना को दर्ज नहीं करता एफ आई रजिस्टर नहीं करता तो उसके पश्चात क्या उपचार है इसे और मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें एक संशोधन किया गया धारा एक ए में सेक्शन 166 ए आईपीसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि जहां पर कोई थाने का भाषाधक अधिकारी संघीय अपराध की सूचना को दर्ज नहीं करता है वह एक अपराध होगा और उस संबंधित थाने के भाषाधक अधिकारी को एफ दर्ज न करने के आरोप में किए गए अपराध की स्थिति में मैक्सिमम दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तो आप देखें संशोधन के माध्यम से जो आईपीसी के अंतर्गत यह जोड़ा गया कि एस यदि थाने का भारसाधक अधिकारी किसी संघीय अपराध की सूचना पंजीकृत नहीं करता है तो वह अपराध माना जाएगा और उसके लिए उसको भी मैक्सिमम पनिशमेंट दो वर्ष का कारावास हो सकता है जो कि न कि उसके कैरियर के, के लिए विभागीय कार्रवाई के लिए बल्कि यह एक दंडात्मक कार्रवाई होगी भारतीय दंड संहिता के धारा एक सौ के अंतर्गत तो अब इन सभी के माध्यम से हम देखते हैं कि एफ रजिस्ट्रेशन करना सुप्रीम कोर्ट का वेव एफ आई आर न दर्ज करना एस एच ओ के द्वारा यह भी एक अपराध माना जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक चीज़ है जो स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं मैंने इसमें लिखा हुआ है जीरो एफ आई आर यह बहुत ही पॉपुलर शब्दावली है एफ आई आर के अंतर्गत जीरो एफ आई आर जीरो एफ आई आर क्या है पहले इसके विषय में बात करते हैं जहां पर संघेय अपराध की सूचना किसी ऐसे थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है जो जिसके अधिकार क्षेत्र में वह अपराध घटित नहीं हुआ है उस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा संघेय अपराध की सूचना का दर्ज किया जाना जीरो एफआईआर आई कहलाता है जीरो शब्दावली एडजेक्टिव विशेषण से स्पष्ट है प्रिफिक्स जो एफ के पहले जुड़ा हुआ है जीरो इट मीन्स कि जो पुलिस ऑफिसर है वो जो एसएचओ है दैट इज नॉट हैविंग ही इज़ नॉट हैविंग jurisdiction ओवर द केस उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर वह अपराध घटित नहीं हुआ है बावजूद वह संघे अपराध की सूचना दर्ज करने के लिए बाध्य है वह इस आधार पर व्यथित या पीड़ित पत्रकार को थाने से इनकार नहीं कर सकता कि एफ आई आर दर्ज नहीं करेंगे उसके अधिकार क्षेत्र में अपराध घटित नहीं हुआ है यह जब ऐसे मामले बढ़ने लगे चूंकि स्टैचू साइलेंट है सेक्शन वन इस पर शांत है तो न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया न्यायिक हस्तक्षेप के द्वारा इसमें सतविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एन दिल्ली के केस में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जहां पर संघेय अपराध की सूचना कोई एग्रीड व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देने, देने, देने के लिए थाने के भारसाधक अधिकारी को अप्रोच करता है और यद्यप कि वह उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर पुलिस के जुडिक्शन में अधिकार क्षेत्र के भीतर वह अपराध घटित नहीं हुआ है बावजूद वह थाने का भारसाधक अधिकारी संघीय अपराध की सूचना को दर्ज करने के लिए बाध्य है यह से जीरो एफ की संज्ञा दी जाती है अब जीरो एफ दर्ज करने के पश्चात क्या प्रोसीजर होगा यह बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है कि जीरो एफ दर्ज करने के पश्चात थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्टेशन उस थाने को भेजेगा मैटर रेफर करेगा जिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर वह अपराध घटित हुआ है दो बात तीसरी बात प्रश्न उठना है कि अगर जीरो एफ को रजिस्टर करने के पश्चात यदि अन्वेषण भी प्रारंभ कर दे इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दे तो धारा एक सौ छप्पन में संघीय मामलों में पुलिस अधिकारी को अन्वेषण की पावर दी गई है उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहां पर संघीय अपराध के घटित होने का अन्वेषण यदि थाने के भारसदक अधिकारी के द्वारा किया जाता है उसके द्वारा की गई अन्वेषण की कार्रवाई की वैधता को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे उस मामले में अन्वेषण करने की अधिकारिता नहीं थी वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था चूंकि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी के द्वारा अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने का कल्पना नहीं किया जाता निर्णय नहीं दिया जाता मात्र साक्ष्यों का संग्रहण है अन्वेषण के दौरान पुलिस साक्ष्य को संग्रह कर रहा है इसलिए साक्ष्य को संग्रह करने के लिए यदि पुलिस थाने यदि पुलिस को अधिकारिता न भी है तो भी जीरो एफ आई आर दर्ज करके यदि अन्वेषण करता है अन्वेषण करके साक्ष्यों को संग्रहित करता है और साक्ष्यों को संग्रहित करके चार्जशीट यदि संबंधित थाने को कम्पिटेंट थाने के भार साधक अधिकारी को भेजता है तो इसमें कोई इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी नहीं है मातृस आधार पर उस अन्वेषण को न्यायालय शून्य नहीं घोषित कर सकता सेटिसाइड नहीं कर सकता कि अन्वेषण करने वाला जो विवेचनाधिकारी था वह उस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं था उसके अधिकार क्षेत्र का के बाहर का स्टैच्यूट में स्वयं उद्देश्य जो विधायिका का ये रहा होगा निश्चित रूप से ऐसा पावर देने को अधिकारी को कि किसी भी संघेय अपराध के घटित होने पर सूचना भी दर्ज की जाए और अविलम्ब बिना किसी विलंब किए हुए उसमें अन्वेषण भी किया जाए वरना अपराधी साक्ष्य को मिटा सकता है और विलंब अन्वेषण जितना विलंब होगा उसमें साक्ष्य उतने ही कमज़ोर होंगे साक्ष्य को नष्ट होने की उतनी ही संभावना होगी इसलिए यदि अधिकारिता न भी है तो भी जीरो एफ दर्ज करने के पश्चात थाने का भारसाधक अधिकारी अधिकारिता के अभाव में भी अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है और साक्ष्यों को संग्रहित करके वह उस मामले को संबंधित थाने को रेफर कर सकता है यह जो न्यायिक क्रांति हुई है जो जुडिशियल इंटरवेंशन के माध्यम से इस संघीय मामलों के अन्वेषण और संघीय मामलों के रजिस्ट्रेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस के विषय में न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से ये जो नए विचार आए हैं दांडिक मामलों में ये स्वागत योग्य हैं सभी छात्रों को इस बात को ध्यान देना चाहिए तो मैंने बताया कि संघीय मामलों में सूचना कैसे दी जाएगी 154 में उपचार क्या है स्वयंधारा एक सौ और एक सौ में दिया हुआ है और यदि जीरो एफ दर्ज होगी तो उसके पश्चात क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये भी मैंने इसमें बताया अब आते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है संघीय मामले की सूचना दर्ज करने पर क्वेसिंग ऑफ एफ आई आर एफ आई आर को शून्य करना जैसा कि मैंने बताया संघीय अपराध की सूचना यदि थाने को भारत अधिकारी को दी जाए और एफ आई आर दर्ज करने के पश्चात पुलिस को लाइसेंस प्राप्त हो जाता है उस अभियुक्त को गिरफ्तार करना नामजद जिसकी एफ आई आर में रिपोर्ट हुई है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने को आपको निर्दोष समझता है निर्दोष होने समझता है तो एफ आई आर को शून्य करने के लिए आपास्त करने के लिए कहाँ कहाँ हुआ जा सकता है क्या उपचार उपलब्ध हैं सी आर पी सी के अंतर्गत यह मैंने इस स्लाइड के माध्यम से दो भागों में बांटा है यदि अन्वेषण चल रहा है और आरोप पत्र दायर होने के पूर्व एफ आई आर कैसे क्वेश होगा आरोप पत्र दायर होने के पश्चात एफ आई आर कैसे क्वेश होगा ये मैंने दो इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया स्लाइड को आप देखें ध्यान से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति होती है जब किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शंगे अपराध की एफ दर्ज हो जाती है तो एफ आई आर करने के लिए वह व्यक्ति कहाँ जा सकता है उसके पास दो विकल्प हैं उसके पास दो कानूनी विकल्प हैं एफ दर्ज हुआ उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है संघे अपराध में तो ऐसी स्थिति में वह संविधान की आर्टिकल 226 के अंतर्गत अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरेस्ट स्टे के लिए हाई कोर्ट में सीधे आवेदन दायर कर सकता है यदि उच्च न्यायालय का समाधान उस उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता जिसमें जिस अधिकार क्षेत्र के भीतर उसका उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर वह अब मामला आता है जहाँ एफ हुई है जिस भी स्टेट में यदि हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि व्यक्ति निर्दोष है वह अपने निर्दोषता को साक्ष्य के माध्यम से साबित करना चाहता है कि जिस तारीख पर संगे अपराध के घटित होने की बात एफ में की गई है तारीख और समय पर उस तारीख और समय पर अभियुक्त घटनास्थल से अन्यत्र कहीं उपस्थित था वह किसी ऑफिस में था या ऑफिस का साक्ष्य है सर्विस में है उसका साक्ष्य है वह न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष ला देता है तो यह न्यायालय के लिए हाई कोर्ट के लिए प्रज्यूम करना यह विधिपूर्ण हो जाएगा कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो स्थान भिन्न भिन्न स्थानों पर नहीं हो सकता है और एफ आई आर को क्वैस कर सकता है कि जानबूझ करके एफ आई आर में नाम डाला गया है इस व्यक्ति को फंसाने के लिए तो ऐसी स्थिति में एफ आई आर को क्वैस करने का जो प्रोसीजर टू ट्वेंटी सिक्स में दिया गया है एज ए मैटर ऑफ राइट अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आ सकता है ऐसी स्थिति में हम एंटीसिपेटरी बेल भी पढ़ेंगे आगे देखेंगे कि व्यक्ति को लगता है कि संगे अपराध में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है तो वह पहले ही एक अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है एक वो भी विकल्प प्राप्त है लेकिन यहाँ पर केवल अभी दो हमें जो इफेक्टिव प्रभावी प्रोसीजर दिए गए हैं कानून के अंतर्गत एफ दर्ज कर संगे मामले में एफ दर्ज करने के पश्चात एफ को शून्य करने अपास्त करने के लिए अभियुक्त का आवेदक का जिसके खिलाफ आवेदन दिया गया है एफ दर्ज की गई है वह हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय का दरवाजा नॉक कर सकता है खटखटा सकता है दूसरा यदि चार्जशीट आ गई है एफ आई दर्ज हुआ अभियुक्त फरार है भाग रहा है छिप रहा है और इसी मध्य इन बिटवीन अन्वेषण कंप्लीट हो गया और चार्जशीट भी आ गई चार्जशीट में अभियुक्त का नाम भी आ गया अब ऐसी स्थिति में तो उस अभियुक्त को गिरफ्तार होने से पुलिस कभी भी उसको गिरफ्तार कर सकती है अब जब अन्वेषण समाप्त हो गया चार्जशीट आ गई ऐसी स्थिति में उस एफ को क्वैस करने के लिए एकमात्र रास्ता है वह सी की धारा चार के अंतर्गत है इस स्लाइड में देखें कि आरोप पत्र दायर होने के पश्चात आफ्टर सबमिशन ऑफ चार्जशीट सेक्शन फोर एटी टू सी कैन बी इनोक्ट सो so, एक्यूज़ को एक राइट है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की धारा चार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को इनहेरेंट पावर दिया गया है वो उच्च न्यायालय की आपराधिक मामलों में अंतर्निहित शक्ति इनहेरेंट पावर है और इनहेरेंट पावर क्या है कि सेक्शन 482 एटी टू के अंतर्गत कोर्ट न्याय सुनिश्चित करने के लिए वे सभी कदम उठा सकती है जो पक्षकार के न्याय हित में आवश्यक हो अर्थात यदि अभियुक्त को सामान्य भाषा में इसको समझें जहाँ पर सी किसी भी अभियुक्त को कोई उपचार कोई राहत रिलीफ न प्रदान करती हो वहाँ पर अभियुक्त धारा चार सौ बयासी सी आर पी सी के अंतर्गत आ सकता है यहाँ पर अभियुक्त का मतलब नहीं कि प्रथम दृष्टि अगर अपराधी है उसको सारे साच उसके विपरीत हैं तो भी वह चार सौ बयासी के अंतर्गत आएगा और उसको रिलीफ मिल सकती है कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रावधान बनाए गए हैं राहत रिलीफ देने का यह इसका मतलब नहीं कि यह अभियुक्त को अपराधियों को देने का है ये जो रिलीफ देने का प्रावधान है कि इमीडिएट अरेस्ट ना हो पाए यह निर्दोष है जो लगता है कि हम निर्दोष हैं हमको अरेस्ट हो सकता है उसके लिए सारे प्रोविजन दिए गए हैं अपराधी है उसके हाथ रक्त रंजित हैं इस स्थिति में और वह चार के अंतर्गत आ जाए और आर्टिकल दो के अंतर्गत अरेस्ट स्टे के लिए आ जाए तो हाईकोर्ट साक्ष को देखते हुए साक्षी का रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात कदापि उसको आर्टिकल दो के अंतर्गत एफ आई आर क्वेश्च नहीं करेगी ये जो दो मैकेनिज्म दिए गए हैं दो मैकेनिज्म में केवल एक बात ध्यान रखनी है कि उनको है जो निर्दोष हैं जिनका नाम कभी एफ आई में आ जाता है जानबूझ कर डिलीवरेटली फंसाया जाता है उनके लिए राहत होगा 482 एटी टू एन आर्टिकल दो के अंतर्गत अब आते हैं एफ आई करने के पश्चात एफ आई आर का साक्ष्य में मूल्य क्या होगा जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है इसकी यूटिलिटी कहाँ है ट्रायल के समझ न्यायालय के समक्ष एफ आई आर की कॉपी जाएगी तो इसका यूज क्या है इसको मैं स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा इसमें देखिए मैंने एफ आई आर को दो भागों में बांटा है कि जहाँ पर संज्ञ अपराध की सूचना थाने के महासदक अधिकारी को स्वयं अभियुक्त दे, दे देता है या दूसरा है मृतक व्यक्ति दे देता है मरने के ठीक पहले अपराध पीड़ित पुलिस को बताता है कि उसके ऊपर किसने हमला किया और किसने इस हमले का अंजाम दिया जो और हम उस पुलिस को सूचना देने के पश्चात अपराध पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उस स्टेटमेंट की क्या वैल्यू होगी साक्ष्य में इसको भी स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे अब देखें जो अभियुक्त है एक्यूज है कभी कभी ऐसा हम अखबार में मीडिया में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम अवगत होते हैं कि अभियुक्त स्वयं अपराध करता है और जाकर के पुलिस थाने में थाने के भारसाधक अधिकारी पुलिस को बताता है कि आई किल्ड हिम आई किल्ड देम मैंने उनको मारा है और मैंने क्यों मारा है इसलिए कि अपने पिता के बदला लेने के लिए अपने भाई का बदला लेने के लिए मैंने उसको मार डाला हम कभी कभी मानता हूँ कि ऐसी नाइन्टी नहीं होता ऐसा लेकिन एक चांस कभी भी आप देखें मीडिया के माध्यम से ऐसी रिपोर्टिंग आती है कि अभियुक्त स्वयं थाने के भारधक अधिकारी को सूचना देता है कि आई हैव आई हैव किल्ड देम मैंने सभी को मार डाला मैंने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की इस प्रकार का यदि स्टेटमेंट स्वयं पुलिस को दिया जाए तो संघे अपराध की सूचना तो स्वयं वह अभियुक्त स्वयं थाने के भाषाधक अधिकारी को दिया तो ऐसी स्थिति में दो प्रावधान हैं एक तो अभियुक्त के द्वारा उस संघीय अपराध की दी गई सूचना को धारा एक में माना जाए माना जाए तो इसका उत्तर सकारात्मक होगा कि अभियुक्त धारा 154 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अभियुक्त अपराधी उसमें लिखा हुआ है कि एनी पर्सन तो एनी पर्सन इंक्लूड्स एक्यूज आल्सो अभियुक्त भी है जो स्वयं दोषी है उसने भी संघेय अगर अपराध की सूचना दे दी थाने के भारसाधक अधिकारी को तो थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी सूचना को लेखबद्ध करेगा और लेखबद्ध करने के पश्चात घटनास्थल पर जाएगा घटना स्थल पर अरेस्ट मेमो तैयार करेगा डिस्कवरी मेमो तैयार करेगा जो भी साक्ष्य हैं उसको संग्रहित करेगा लेकिन प्रश्न है कि यदि अभियुक्त के द्वारा थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञ अपराध की घटित होने की जो सूचना दी गई वह कन्फेशनल नेचर का स्वयं उसमें अभियुक्त ने कन्फेस किया है कि आई हैव कमिटेड दैट मर्डर मैंने वो हत्या की है तो जो मेरा यह स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पुलिस के समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति है उसको हम टेक्निकल भाषा में संस्कृति बोलते हैं तो पुलिस के समक्ष अपराध की स्वीकारोक्ति या पुलिस अभिरक्षा में अपराध की स्वीकारोक्ति साक्ष्य में कोई स्थान नहीं रखता उसका साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं इेलिवेंट है दो बातें हो गई अभियुक्त के द्वारा एफ दर्ज कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है यदि उसने अपराध स्वीकार कर लिया है तो उसका साक्ष्य में मूल्य क्या होगा साक्ष्य में मूल्य उसका शून्य है जीरो है यह स्वयं क्यों ऐसा है ये ऐसा इसलिए बनाया गया विधायिका ने स्वयं कानून में ऐसा प्रावधान किया गया कानून लॉ लॉय प्रिज्यूम करता है कि पुलिस के समक्ष जो बयान दिए गए होंगे अभियुक्त के द्वारा वह निश्चित रूप से भय के अधीन होंगे धमकी के अधीन होंगे कोई प्रलोभन के अधीन होंगे इसलिए पुलिस से अपराध की स्वीकारोक्ति का साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं है यद्यपि कि अपराधी अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया हो तो ये धारा पच्चीस और छब्बीस भारतीय साक्ष्य नियम को देखेंगे मैंने स्लाइड के माध्यम से ही ये बताने का प्रयास किया है उसमें धारा एट साक्ष्य नियम धारा पच्चीस छब्बीस साक्ष्य नियम को लिखा हुआ है जिससे कि आप सभी एक केस मैंने इसी में लिखा हुआ मुन्ना राजा वर्सेज स्टेट ऑफ एम और स्टेट ऑफ यूपी पी वर्सेज ए के एंटोनी एआईआर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट अब इसको संक्षेप में देखें कि जहां पर संघेय अपराध की सूचना स्वयं अभियुक्त के द्वारा दर्ज कराई जाए क्या उसे एफ माना जा सकता है उत्तर होगा उसे एफ माना जा सकता है संयुक्त संघीय अपराध के विषय में उसने इत्तला दी है सूचना उसने ही दिया है तो उसे सूचना न मानने का कोई ग्राउंड नहीं है दूसरा प्रश्न क्या उस एफआईआर का अभ्युक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकता है उत्तर नेगेटिव होगा नहीं जहां पर स्वयं अभ्युक्त अपराध की सूचना थाने के भासाद अधिकारी को देता है कि मैंने अपराध किया है यह धारा 25 और 26 में आने के कारण उससे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा तो इसे किस रूप में स्वीकार किया जा सकता है इसे धारा नियम की धारा आठ के अंतर्गत उसके आचरण के रूप में कंडक्ट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि वह पेशेवर है या पेशेवर पहली बार अपराध किया है नहीं है उसका कंडक्ट ऐसा है तो धारा आठ के अंतर्गत यह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है अब इसके पश्चात यदि अभियुक्त स्वयं संगीय अपराध की सूचना थाने के महासाधक अधिकारी को देता है तो ऐसी स्थिति में और उसके साच उसका साच में प्रयोग नहीं किया जाएगा परंतु एक अपवाद है इसमें एक्सेप्शन ये है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यदि पुलिस कोई सामग्री बरामद करते हैं हम देखते हैं प्राय अभियुक्त ही कहता है कि मैंने इस पिस्टल से इसकी पड़ोसी की मृत्यु कारित कर दी है मैंने अपने इस बंदूक से ही लाइसेंसी बंदूक इस पिस्टल से ही इस चाकू से ही मैंने उनको मार डाला है अब इस चाकू का बरामद होना पिस्टल का बरामद होना पिस्टल इस ये ये परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोलती व्यक्ति झूठ बोल सकता है व्यक्ति पर दबाव हो सकता है पुलिस का लेकिन उन परिस्थितियों पर उन सामग्रियों पर पुलिस का कोई दबाव नहीं हो सकता है जो चाकू है जो पिस्टल है जिसमें उसके हाथ का ब्लड टेस्ट हुआ है डीएनए टेस्ट हुआ है साबित हो गया है कि यह पिस्टल उस अपराध में उसी व्यक्ति के द्वारा यूज किया गया वह चाकू उस व्यक्ति के द्वारा यूज किया गया डीएनए टेस्ट के माध्यम से भी साबित हो गया अभियुक्त स्वयं यह स्टेटमेंट दे रहा है वहाँ पर एक अपवाद है कि अभियुक्त के द्वारा किए गए कथन को यद्यप कि वह संस्कृति नेचर का है उसे पच्चीस धारा पच्चीस और छब्बीस के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है परंतु ऐसे कथन के आधार पर अभियुक्त के अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर कोई सामग्री बरामद होती है कोई मेटीरियल पुलिस डिस्कवर करता है तो वह सामग्री उस अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि कैसे हम इस सीआरपीसी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जोड़ दे रहे हैं एफ को कैसे हम धारा 25 छब्बीस से ले जा रहे हैं कैसे हम एफ की बात को साक्ष्य अधिनियम की धारा ट्वेंटी में ले जा रहे हैं कैसे ही साक्षर नियम की धारा आठ और सीआरपीसी की धारा एक दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं यदि हम ऐसा प्रयास करेंगे और इसको यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से मेंस परीक्षा लिखित परीक्षा सभी छात्र क्वालिफाई करेंगे ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पर मैंने स्लाइड को बनाने का प्रयास किया है और उसी रूप में प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अब इस पर एक स्लाइड को देखें स्लाइड में मैंने एक सेकेंड तरफ दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि जहाँ पर संगे अपराध की सूचना मृतक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु के ठीक पहले दी जाए और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसे कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा बत्तीस एक के अंतर्गत डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में माना जाता है ऐसा जैसा की जानते होंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा बत्तीस एक यह प्रावधानित करती है कि जो कोई व्यक्ति मृत्यु के ठीक पहले या उन परिस्थितियों के विषय में जिन परिस्थितियों में मृत्यु कारित की गई है उन परिस्थितियों के विषय में बात करता है और कथन करने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसे कथन को मृत्युकालिक कथन माना जाता है और मृत्युकालिक कथन महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है कानून ये मानता है विधि ये मानती है कि जो व्यक्ति मृत्यु के करीब है वह सदैव सत्य बोलेगा इस आधार पर उसके कथन को लॉ में विधि में अधिक भार दिया जाता है महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है तो एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर कि जो इन्फॉर्मेंट है सूचना करता है वह अपराध पीड़ित है स्वयं उसके ऊपर हमला हुआ है और उस संघेय अपराध की सूचना देने के पश्चात एक दिन एक महीने दो महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटलाइज हो जाता है कोमा में चला जाता है अस्पताल में उसका इलाज किया जाता है और मृत्यु हो जाती है एक महीने बाद दो महीने बाद समय का कोई मतलब नहीं है सूचना अगर उसने दे दिया है संघ अपराध की पहले उसने सूचना दिया अटेम्प्ट टू मर्डर उसके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ है एफ जो हुई होगी तीन सौ की होगी एक महीने बाद वह मर गया पोस्टमार्टम हुआ कॉज ऑफ डेथ जो है डॉक्टरों के द्वारा ये बताया गया कि सर में चोट लगी गई शरीर के महत्वपूर्ण पार्ट पर अंग पर महत्वपूर्ण अंग पर ऐसे चोट के निशान थे जो उसके मृत्यु का कारण बन गया एक महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई अब अटेम्प्ट टू जो मर्डर है तीन की धारा वह तब्दील हो जाएगी तीन में मर्डर में हत्या में कहने का तात्पर्य है दो बातें यहाँ से निकल के आती हैं आपको ध्यान रखना है कि क्या मृतक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु से ठीक पहले संघेय अपराध की विषय में दी गई सूचना एफ मानी जाएगी एफआईआर या मानी जाएगी और यदि सूचना देने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कथन को अन्य किसी विधि में माना जाएगा यह डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा मृत्युकाली कथन माना जाएगा महत्वपूर्ण साक्ष्य इसे किस केस में कहा गया उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1976 में स्लाइड के माध्यम से आप देखें मैंने लिखा है मुन्ना राजा वर्ष स्टेट ऑफ एमपी एर इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1976 सेवेंटी सिक्स में कहा कि जहाँ पर अपराध पीड़ित ने मृत के ठीक पहले अपराध के विषय में सूचना दिया है और उसके पश्चात उसकी मृत हो जाती है उसके कथन को न केवल एफ के रूप में बल्कि मृतकाली कथन के रूप में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाएगा तो ये बात मुझे लगता है कि इतने डिस्कसन के पश्चात आप सभी इस स्थिति में होंगे कि मृत जो एफ है क्या अभियुक्त के द्वारा हो सकता है तीन कैटेगरी मैंने बताई धारा एक के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना कौन दे सकता है एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति दे सकता है अजनबी समाज का अजनबी व्यक्ति राहगीर रास्ते चलता दे, दे सकता है स्वयं अपराध पीड़ित देता है सामान्यतः अपराध पीड़ित देता है जिसके ऊपर अपराध हुआ है उस परिवार का सदस्य जाता है एफ कराने हम ये सभी बात जानते हैं लेकिन अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सपोज राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेशनल हाईवे पर हम जा रहे हैं हमारे सामने देखता है हम देखते हैं कि हमारे सामने किसी पर अटैक किया गया अटैक करके गोली मार के कोई व्यक्ति भाग गया तो मैं उस स्थिति में उस अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दे सकता हूँ यह धारा एक के अंतर्गत मैं मेरे द्वारा जो दी गई सूचना है वो एफ के रूप में मानी जाएगी अब इसके लिए नहीं कि वह पीड़ित परिवार के घर वाले आएंगे तभी वह सूचना देंगे तो ये एक एक व्यक्ति हो दूसरा कौन व्यक्ति एफ करा सकता है अभियुक्त स्वयं संघय अपराध की सूचना दे सकता है उसकी सूचना को एफ या के रूप में दर्ज की जा सकती है तीसरा जो एग्रीब्ड है अपराध से पीड़ित है अपराध पीड़ित व्यक्ति भी संघेय अपराध की सूचना देता है तत्पश्चात उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी भी सूचना को एफ या माना जाएगा और उसके स्टेटमेंट को एक और महत्वपूर्ण बल मिल जाएगा साक्ष्य साक्ष्य नियम की धारा बत्तीस के अंतर्गत मृत्युकाली कथन के रूप में सुसंगत माना जाएगा अब इसके पश्चात मेरा जो टॉपिक है चैप्टर दो के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ आई के विषय में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई अब आता है इसमें एक रिमांड है बहुत ही लोकप्रिय शब्दावली है, है रिमांड सेक्शन 167 167 के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं रिमांड शब्दावली का प्रयोग तो नहीं किया गया लेकिन जो उसका लोकप्रिय हम इस बहुत पॉपुलरली इसको हम रिमांड बोलते हैं जब संघेय मामलों में अन्वेषण एफ हो गई संघीय अपराध की अब संघीय अपराध की एफ हो जाना पुलिस को लाइसेंस मिल जाता है पुलिस अधिकृत हो जाती है उस मामले में अन्वेषण करने के लिए और यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि अन्वेषण 24 घंटे के भीतर पूर्ण नहीं हो सकता अभियुक्त को कस्टडी में रखना और आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में धारा वन सिक्सटी पुलिस को एथराइज करती, करती है प्राधिकृत करती है कि वह न्यायालय से आवेदन करे उस न्यायालय से आवेदन करे जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर वह अपराध घटित हुआ है सामान्यतः जो धारा वन के अंतर्गत की जो प्रक्रिया है इसको हिंदी में प्रतिपेषण बोलते हैं लेकिन मैंने इंग्लिश में लिखा है रिमांड इंग्लिश वर्ड है मैंने उसको हिंदी में भी रिमांड ही लिखा हुआ है तो मैं चाहूँगा कि इसको रिमांड से संबंधित कानून को डिस्कस किया जाए और इसमें अब देखें रिमांड धारा वन सिक्सटी सेवन यह प्रावधानित करता है कि जब अन्वेषण संहिता की धारा सत्तावन के अंतर्गत निर्धारित चौबीस घंटे के भीतर पूर्ण नहीं होता और पुलिस को प्रतीत होता है कि अभियुक्त को अभिरक्षा में लेना आवश्यक है पुलिस कश उसको अभिरक्षा में लेना और आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे उस मामले में विचारण की अधिकारिता हो या ना हो स्लाइड के माध्यम से आप देखें मैंने इसमें रिमांड को इस स्लाइड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जो रिमांड की पावर है किस मामले में कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देगा तो इसको थोड़ा मैं इसको क्विकली हाईलाइट करूं संक्षेप में इसको देखें लिखा है स्लाइड में मैंने पंद्रह दिन अवधि है सेवन डेज है नाइन्टी डेज है साठ दिन इस चार जो डिफरेंट हैं इसको याद करना है कि पंद्रह दिन की कब अभिरक्षा रक्षा होगी सेवन डेज की कस्टडी कब होगी नाइन्टी डेज कब होगा साठ दिन कब होगा बस केवल इस चार अगर डेट चार प्रकार की जो ये चीजें याद हों उन सिक्सटी सेवन में रिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने स्लाइड के माध्यम से बचाने का बताने का प्रयास किया है तो देखें स्लाइड पर कि जो फिफ्टीन डेज है पहला पंद्रह दिन है वह कस्टडी कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे उस मामले में ट्रायल करने की पावर हो या ना हो पंद्रह दिन की अभिरक्षा पुलिस को दे सकता है पंद्रह दिन की अवधि के पश्चात पंद्रह दिन के भीतर भी यदि यदि अन्वेषण पूर्ण नहीं होता और पुलिस को लगता है कि इसे अभी कस्टडी में लेना आवश्यक है तो पंद्रह दिन के पश्चात अभियुक्त को कस्टडी में वही न्यायालय देगा जो न्यायालय उस मामले में ट्रायल करने की पावर रखता है ये थोड़ा सा यहाँ पे याद ध्यान रखने की बात है इट इज़ वेरी पर्टीनियंट टू नोट हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस पॉइंट कि ये पंद्रह दिन की जो कस्टडी कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है चाहे उस मामले में उसको ट्रायल हो ट्रायल करने की पावर हो या ट्रायल करने की पावर ना हो परंतु पंद्रह दिन के भीतर भी अन्वेषण पूर्ण नहीं होता और पुलिस को पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि अभी कस्टडी अभिरक्षा की और आवश्यकता है तो पंद्रह दिन के पश्चात ऐसे अभियुक्त को उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो न्यायालय उस मामले में ट्रायल करने की पावर रखता हो अब यहां पे दो बातें हैं यदि वह अपराध मृत्युदंड आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध अभियुक्त ने किया है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम नब्बे दिन तक नाइन्टी डेज तक पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है वे अपराध जो मृत्युदंड आजीवन कारावास अथवा दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध हैं उन अपराधों का यदि अन्वेषण पंद्रह दिन के भीतर पूर्ण नहीं होता और पुलिस अभिरक्षा कस्टडी के लिए न्यायालय से डिमांड करती है तो न्यायालय ऐसे अभियुक्त को जिसके ऊपर दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है उसे अधिकतम साठ दिन की कस्टडी दे सकता है ये तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया पावर है कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपस्थित है या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो सीआरपीसी की धारा 167 सिक्सटी सेवन उपधारा दो क एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, को कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको हम एसडीएम या आई बोलते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी यह पावर देती है कि वह ऐसे अभियुक्त को अधिकतम सात दिन का सात दिन की अभिरक्षा अभिर अच्छा, पुलिस को दे सकता है तो ये चार प्रकार की डेट मैंने आपको बताया कि पंद्रह दिन की रिमांड नाइन्टी डेज़ का कस्टडी साठ दिन की कस्टडी और सेवन दिन की सात दिन की कस्टडी ये डिफ इसके आधार अलग अलग हैं किन किन आधारों पर किन किन परिस्थितियों में इनको कस्टडी दी जाएगी अब आते हैं कि ये जो कस्टडी जो विरक्षा है ये पुलिस कस्टडी होगी या जुडिशल कस्टडी होगी चूँकि इसमें सेक्शन वन सिक्सटी सेवन इस पर स्पष्ट नहीं करता थोड़ा सा इस पर डाउट क्रिएट करता है कि गिरफ्तारी से जो पंद्रह प्रारंभिक पंद्रह दिन की जो कस्टडी होगी उसको क्या माना जाए अरेस्ट जो ऑल जो अरेस्ट पीरियड है रिमेनिंग पीरियड है उसको क्या माना जाए तो स्लाइड में देखें मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1991 में सीबीआई थ्रू ये स्टेट लिखा रहता है सीबीआई थ्रू स्टेट वर्सेस अनुपम कुलकर्णी नाइन्टीन नाइन्टी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई बनाम अनुपम कुलकर्णी की केस में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया 91 में कि गिरफ्तारी से जो प्रारंभिक 15 दिन की अवधि है वह पुलिस कस्टडी है और उसके पश्चात की जो अवधि होगी जो उसके पश्चात का जो पीरियड होगा वह सदैव जुडिशियल कस्टडी न्यायिक अभिरक्षा मानी जाएगी तो पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा में क्या डिफरेंस है कि गिरफ्तारी से जो प्रारंभिक पंद्रह दिन की जो कस्टडी होगी वह पुलिस कस्टडी मानी जाएगी पुलिस उसको लापक लाकअप में रखे प्राइवेट किसी प्लेस में रखे अन्वेषण के लिए यह पुलिस का एब्सलूट राइट right है परंतु पंद्रह दिन के पश्चात की जो अवधि होगी वह जुडिशियल कस्टडी होगी और वह न्यायिक अविरक्षा माना जाएगा ये ध्यान रखना है अब उस पंद्रह दिन की अवधि के समाप्ति के पश्चात भी ये नब्बे दिन की गणना साठ दिन की कस्टडी किस मामलों में होगा ये भी मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है अब रिमांड भी यह 90 डेज और साठ दिन क्यों रखा गया 100 डेज क्यों 120 डेज क्यों नहीं रखा गया यह दिमाग यह एक कोई इसका दर्शन कोई फिलसफी नहीं है कि 90 डेज ही क्यों रखा गया साठ दिन क्यों रखा गया विधायिका के द्वारा वर्ष उन्नीस में सीआरपीसी बनाते समय यह सोचा गया होगा कि किसी बड़े से बड़े अपराध में भी संघे अपराध में भी बड़े से बड़े अपराध में भी नब्बे दिन की अवधि पर्याप्त अवधि है जिसमें थाने का महासाधक अधिकारी उस संजेय अपराध का अन्वेषण करके चार्जशीट न्यायालय में ला सकता है छह महीना भी हो अगर अन्वेषण इफेक्टिवली किया जाए तो तीन महीने पर्याप्त है इसलिए नब्बे दिन रखा गया और जो छोटे अपराध जो दस वर्ष से कम के कारावास से दंडीय अपराध हैं उसमें साठ दिन की अवधि जो है पर्याप्त सफिशियंट टाइम है टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण पूर्ण करने के लिए साठ दिन पर्याप्त समय है और चार्जशीट इन इन समय के भीतर आ जानी चाहिए अब ये तो हो गया रिमांड का कि 167 में कैसे किन किन डेज का रिमांड मिल सकता है अब 90 डेज के पश्चात भी यदि पुलिस अन्वेषण कंप्लीट नहीं कर पाती 90 दिन अवधि के समाप्ति के पश्चात भी संघीय मामले में अन्वेषण पूर्ण नहीं हो पाता तो क्या होगा अब प्रश्न यहाँ पे है कि क्या पुलिस की अकर्मण्यता पुलिस की लापरवाही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की अकर्मण्यता अभियुक्त को अनिश्चित काल में अनिश्चित काल तक जेल में रहने का अधिकार प्रदान करता है क्वेश्चन नहीं स्वयं धारा 167 सिक्सटी सेवन स्पष्टीकरण में प्रावधान कर दिया गया है यदि नब्बे दिन के भीतर अन्वेषण कार्य पूर्ण नहीं होता तो जो इक्यानवेवा दिन होगा वह अभियुक्त का होगा ए, एक रूल है सामान्य नियम यह है कि नब्बे दिन की पस, समाप्ति के पश्चात अभियुक्त यदि जमानत देने को तैयार है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा लेकिन स्वयं उसी धारा 167 के स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि यदि अभियुक्त को 90 दिन की अवधि के समाप्ति के पश्चात भी अभियुक्त को निरोध में तब तक रखा जाएगा कस्टडी में तब तक रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत न दे दे जमानत देने को तैयार नहीं होता या जमानत नहीं दे देता अब इस पर एक नया संशोधन हुआ है वर्ष दो में जो मलिमथ कमेटी बनी थी यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मलिमथ कमेटी जो बनाई गई थी किस ईयर में बनी उसका कार्य क्या था उस किससे संबंधित थी तो न्यायमूर्ति मलिमथ की अध्यक्षता में आपराधिक विधि में सुधार हेतु वर्ष 2003 में एक समिति बनाई गई जिस समिति के द्वारा आपराधिक विधि में संशोधन करने के लिए बहुत सारी सिफारिश अनुसंस्थाएँ की गई उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन की गई जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अन्वेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट यह है कि अब प्रश्न होता है कि अगर अन्वेषण 90 दिन के भीतर भी पूर्ण नहीं होता तो अभियुक्त को कितनी अवधि तक जेल में रखा जाए डिटेन किया जाए तो एक संशोधन के माध्यम से सीआरपीसी की धारा चार क जोड़ी गई जिसमें प्रावधान किया गया कि यदि अभियुक्त के द्वारा जो अपराध किया गया है उस अपराध के लिए प्रावधानित जो अधिकतम कारावास है उस अधिकतम कारावास का आधे से अधिक अगर उसने जेल में भुगत लिया है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा मैं इसको रिपीट करूं धारा चार कर सौ छत्तीस का सी आर पी सी के अंतर्गत जो जोड़ा गया उसमें प्रावधानित किया गया कि उसकी हेडिंग यह है कि अभियुक्त को कब तक निरोध में रखा जाएगा अभियुक्त को उस अवधि से अधिक निरोध में नहीं रखा जाएगा जिस जो अपराध किया जिस अपराध में वह डिटेन किया गया है उस उस अपराध के लिए अधिकतम प्रावधानित कारावास से अधिक समय तक उसे जेल में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है उदाहरण के तौर पर यदि अभियुक्त के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है एफ आई आर हुई है चोरी का धारा थ्री सेवेंटी नाइन के अंतर्गत आई पी सी में चोरी का मैक्सिमम पनिशमेंट तीन वर्ष है अब चोरी के मामले में यदि अन्वेषण लंबित है जांच लंबित है ट्रायल लंबित है यह धारा चार सौ छत्तीस का हमें प्रावधान किया गया कि यदि किसी भी अभियुक्त के अन्वेषण जांच या विचारण के लंबित रहने के दौरान यदि उसने अपने द्वारा किए गए अपराध के आधे से अधिक कारावास जेल में भुगत लिया है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा चोरी के मामले में यदि हम उसको उदाहरण के रूप में लें कि अभियुक्त ने चोरी का अपराध किया है और उसका ट्रायल लंबित है विचारण अभी नहीं हुआ है अन्वेषण हो गया है अनुसंधान जांच या विषाण के लंबित रहने के दौरान चोरी के मामले में वह एफ हुई है अब चोरी में मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है तीन वर्ष छत्तीस महीने आधे से अधिक सजा भुगत लिया है उसने छत्तीस माह का आधा हो गया अठारह महीने अठारह महीने एक दिन उन्नीस महीने माना कि अगर उन्नीस महीने उसने वह जेल में रहा है तो धारा चार सौ छत्तीस कहती है कि आधे से अधिक सजा उसने कारावास भुगत लिया है उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए यह मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए संशोधन चार सौ में किया गया जिससे अभियुक्त को अनिश्चित काल के लिए उसकी लिबर्टी को कर्टेल न किया जाए उसकी स्वतंत्रता को बाधित न किया जाए और यदि सिद्ध हो गया बेल पर छुटा हुआ दोषिद्ध हुआ अगर दोषिद्ध हो गया सजा हो गई तो जो तीन वर्ष की सजा हुई है जितना उसने पहले कस्टडी में रहा है डिटेन रहा है जेल में उस पीरियड को माइनस करके रेस्ट पीरियड के लिए वह अपनी सजा भुगतेगा तो ये एक बताने का प्रयास किया गया कि अन्वेषण जांच या विचारण लंबित रहने के दौरान अभियुक्त को कितने दिन तक कारावास में रखा जा सकता उसको उतनी उससे अधिक कारावास में नहीं रखा जा सकता है जितने के लिए उसने अपराध किया है जितने में उसने कारावास हो सकता है तो इस प्रकार से यह धारा वन जो रिमांड का है उसमें भी मैंने बताने का प्रयास किया कि अन्वेषण यदि इन अवधियों के भीतर पूर्ण नहीं होता तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान अन्वेषण के समय ही मैं एक स्लाइड के माध्यम से आप देखें स्लाइड से ही बताने का प्रयास करेंगे यद्यपि कि जमानत से के चैप्टर में बेल के चैप्टर में महत्वपूर्ण है लेकिन चूंकि यह अन्वेषण का पार्ट में ले रहा हूँ और रिमांड में बता रहा हूँ तो रिमांड से ही संबंधित एक डिफॉल्ट बेल बोलते हैं डिफॉल्ट बेल सेक्शन 167 बहुत ही पॉपुलर वर्ड यूज किया जाता है सेक्शन 167 में डिफॉल्ट बेल ये डिफॉल्ट किसकी है यह डिफॉल्ट है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की विवेचना अधिकारी यदि पुलिस ऑफिसर अन्वेषण करने में असफल रहा है चार्जशीट नब्बे दिन के भीतर चार्जशीट लाने में असफल रहा है तो धारा वन सिक्सटी यह प्रावधानित करती है कि ऐसी स्थिति में अभियुक्त जमानत ले सकता है जमानत पर छोड़ा वहाँ से यह कॉन्सेप्ट निकला कि जो बेल डिफॉल्ट बेल कहा जाए उससे जो जमानत यहाँ पर भी अन्वेषण भी है अभी ट्रायल समांतर संज्ञान लेने के पश्चात अभिद को बेल पर छोड़ा जाता है या इंक्वायरी लंबित रहने के दौरान विचारण लंबित रहने के दौरान अभित को बेल दिया जा सकता है तो यह रेगुलर बेल क्या है कंपल्सरी बेल क्या है इसको वहाँ पर कवर किया जाएगा अभी केवल यहाँ पर यह समझना है कि क्या सेक्शन 167 के अंतर्गत 90 दिन के भीतर अन्वेषण का पूर्ण होना अभियुक्त को अधिकार प्रदान कर देता है जमानत लेने का यह इनडायरेक्टली सेक्शन वन सिक्सटी सेवन के अंतर्गत अभियुक्त को अभियुक्त को एक अधिकार मिल जाता है यद्यप कि बेल डिस्क्रिप्शन है बेल न्यायालय का एक विवेकी अधिकार है अजमानती मामलों में देना न देना परंतु नब्बे दिन के भीतर अन्वेषण का पूर्ण न होना यह स्वयं धारा वन सिक्सटी सेवन में लिखा हुआ है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा उस उस सेक्शन 167 में जो शब्दावली यूज की गई है उसको अगर आप ध्यान देंगे उसमें शब्दावली यूज किया गया है शैल बी रिलीज ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल अर्थात अभिद को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि इस पूरे व्याख्यान के माध्यम से एफ आई आर और रिमांड दोनों मैंने डिटेल में बताने का प्रयास किया है और यफ़ आई आर से संबंधित जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर है एफ आई आर का साक्ष में मूल्य क्या है रिमांड क्या है रिमांड के जो पीरियड क्या हैं ये पूरा आ, मैंने बताने का प्रयास किया है मैं समझता हूँ कि आप सभी इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे और यह आप सभी के लिए निश्चित रूप से बेनिफिशियल होगा इसी के साथ इस व्याख्यान को मैं समाप्त करता हूँ थैंक यू